इस वक्त जी सुनते मौजूद जय है हमारे साथ शर्माते जी। वो बीवी जिन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने शोहर को ख़त्म करवा दिया। बात करते हैं जी, क्या मामलात थे, क्यों बात इस हद तक पहुंची। आपका नाम शबनम। जी, शबनम। अच्छा, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 17 साल। ये आप लोगों की अपना लव मैरिज थी, पसंद की शादी थी? जी आपका शोहर जिसको आपने ख़त्म करवाया और आप एक दूसरे से प्यार करते थे, जी। फिर आपकी शादी हो गई। 17 साल तक आपकी शादी चली। जी। तो मामला कब ख़राब हुए, कहाँ पर बात ख़राब हुई कि यहाँ तक बात पहुँच गई? 3-4 साल से क्या हुआ? कुछ घरेलू झगड़े थे, कुछ मामला थे। क्या मामला थे? घरेलू झगड़े थे, कुछ लेन देन के झगड़े थे, इसी वजह से बस ज़िंदगी में बदलाव आता गया। तो ये जो लड़का है जिसके हाथों आपने अपने शोहर को ख़त्म करवाया, उससे आपका क्या रिश्ता था? प्यार करते थे आप दोनों एक दूसरे से? जी 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 कैसे मुलाकात हुई आप लोगों की और कैसे दोस्ती हुई? जी कहाँ पे होता था ये लड़का? नाले रहते। जी नाले रहते। नहीं, आपके घर के आसपास रहता था कहीं? नहीं, हमारे घर के आसपास नहीं रहता था, मदरसे में अपनी बहन को छोड़ने आता रहता था। अच्छा, उधर हुई थी मुलाकात। कहाँ, कितने साल पहले कह रही है मुलाकात हुई थी आपके से? 3-4 माह पहले, 5-6 माह हो चुके। अच्छा, 5-6 माह हो चुके। तो फिर बात इस हद तक पहुंच गई कि वो आपको प्यार करने लग पड़ा जी, और आप भी उसको प्यार करने लग पड़ी जी। तो ये गलत मामलात कब स्टार्ट हुए आपके? 1-2 माह। 1-2 माह। तो इस सारे मामले का आपके शोहर को पता था? पता चल गया था। पता चल गया था। कैसे पता चला आपके शोहर को? फोन सुन लिया था। फोन सुन लिया था। तो अब 17 साल से एक शख्स के साथ निकाह में थी जिसको आप बहुत पसंद करती थी, जिससे आप प्यार करती थी। शादी के 17 साल बाद एक और लड़के से आपको प्यार हो जाता है, ऐसे ही है? जी। उस लड़के की उम्र क्या है? 18 साल। और आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। बच्चे कितने हैं आपके? 5। 5 बच्चे, यानी शादी के 17 साल बाद 5 बच्चों के बाद आपको उस हस्बैंड से आपने बेवफाई की जिससे आप प्यार की, आपने शादी की थी, और फिर आपको एक और लड़के से जो है वो मोहब्बत हो जाती है, ऐसा ही है? जी। तो जब शोहर को पता लगा, उसने फिर क्या क्या रिस्पॉन्स दिया उसने? बस झगड़ा होता था, थरजाना बिलाना। अगर अच्छा, मैंने माफ़ी भी मांगी कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। उसने कहा ठीक है। उसने आपको वैसे ख़त्म तो नहीं किया ना? सुनते जाए बस। तो फिर वो ये झगड़ा हुई। तो उसको पता चल चुका था आपके सारे गलत मामलात का, तो वो उस पर खुश होता? वो ज़ाहिर है झगड़ा ही करता ना आपसे, कि उसको खुश होना चाहिए था? नहीं, झगड़ा करता था ना आपसे। तो आप भी दरगुजर कर लेती इस मामले को? कब आपने सोच लिया कि बस आप अपने शोहर को ख़त्म कर देना? 2-3 दिन। 2-3 दिन पहले? क्या क्या कहा आपने उस लड़के को और फिर उसने ये काम किया? मैंने पैसे खत्म कर दिए, उसने कहा ठीक। कहाँ पे मुलाकात हुई थी आपकी? फोन पे आपने क्या कहा था उसको? किसको? मेरे शोहर, जिसे आप जो लव मैरिज की थी जी। और उस लड़के ने क्या कहा? वो आपकी इतनी सारी बातें क्यों मानता था? जी, दोस्ती के नाते। सिर्फ दोस्ती थी कि वो आपसे मोहब्बत में गिरफ्तार था आपकी? जी, अब देखिए नाजरीन, अब एक 18 साल का लड़का और ये 35 साल उम्र बता रही है, 2-4 साल ऊपर भी हो सकती होगा। अब इन्होंने खुद पसंद की शादी की, लव मैरिज थी, 17 साल चली, 5 बच्चे, उसके बाद फिर इनको एक और शख्स से प्यार हो जाता है, एक और लड़के से, नौजवान लड़के से। फिर उसके साथ गलत मामलात भी चल पड़ते हैं, खावंद को पता भी चलता है, वो फिर भी माफ़ कर देता है, लेकिन इन्होंने माफ़ नहीं किया। आप करती क्या हैं, हाउस वाइफ हैं या कि कुछ कहीं पर जॉब करती हैं? नहीं, मैं अपना काम करती हूँ। अपना काम, क्या काम करती हैं? पार्लर। ब्यूटी पार्लर है आपका? अच्छा,
तो जिस दिन आपका शोहर ख़त्म हुआ है वो आपको ब्यूटी पार्लर ही लेने आ रहा था जी। तो यही प्लान था, आपने इसको बोला था उस लड़के, क्या नाम है जिस लड़के के साथ आपका दोस्ती थी? अरसलान। तो आपने अरसलान को यही कहा था कि मुझे ब्यूटी पार्लर लेने आएगा तो रास्ते में उसे ख़त्म कर देना जी। तो आपको ख्याल नहीं आया कि मैं तो शख्स से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, मैं इसको क्यों ख़त्म करवाऊँ? जी गुस्से में आके किया। गुस्सा क्या, किस बात का था आपको? बस लड़ाई झगड़े का, रोजाना लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा था, लड़ाई झगड़ा था तो आपको तो चाहिए था कि आप अलहदगी इख्तियार कर लेते। अब आप देखें ना, आप खुद बताएं कि आप, वो लड़का जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो तो चाहता है आपसे शादी करना, हमें पता चला वो आपसे शादी करना चाहता है, ऐसा ही है? तो मैंने नहीं करा जी, मैंने नहीं करा। अब तो आप क्या करवाएंगे? आपने तो अपने शोहर को ही ख़त्म करवा दिया, पकड़ी भी गए हैं आप। लेकिन है कि वो चाहता था ना, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, आपसे शादी करना चाहता था ना वो जी। और आप भी उससे प्यार करती थी जी। अच्छा, अब खुद बताइए, क्या वो 18 साल का लड़का आपके 5 बच्चों को उनके बाप का प्यार दे सकता था? नहीं। अब खुद बताइए कि अब आपने उसी लड़के के हाथों अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने 5 बच्चों से, उनके सर से उनके बाप का साया भी छीना और अब माँ का भी जो है वो साया छीन लिया। अब उन आपके 5 बच्चों का क्या गुजरा? सबसे छोटे बच्चे की क्या उम्र है आपकी? 6 साल। अब उस 6 साल के मासूम बच्चे की क्या उस बेचारे की गलती है जिसका बाप भी नहीं है, और जिसकी माँ ने एक नौजवान के प्यार में गिरफ्तार होकर अपने खावन को ख़त्म करवा दिया? और बड़े बच्चे की क्या उम्र है आपके? 14 साल। अब खुद अंदाज़ा करें कि 14 साल, 2-4 साल का फ़र्क है ना उस लड़की से जिससे आप मोहब्बत करती हैं और जो आपका पहला बड़ा बेटा है या बेटी है आपकी? बेटी। तो और तकरीबन आपके बेटे की उम्र का है वो? ये तो हालात चल रहे हैं। अब घरेलू झगड़े, घरेलू मामलात का ये मतलब तो नहीं है खुदा ना खास्ता कोई किसी और नौजवान के साथ, लड़का जो शोहर है किसी औरत के साथ मामलात बना ले या बीवी किसी और नौजवान के साथ गलत मामलात बना ले, इसका ये मतलब तो नहीं है। टेलीफोन नंबर आप लोगों ने कहाँ एक्सचेंज किए? फ़ोन पे आप जब पकड़ी गई तो कितनी बार आपके शोहर ने फ़ोन पे बातें करते हुए हैं कुछ इस तरह की हरकतें करते हुए देखा? तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो मुलायजा की है, एक 35 से 36 साल औरत ने, 5 बच्चों की माँ ने एक लड़के के पीछे अपना पूरा एक घर उजाड़ दिया है, ये हालात चल रहे हैं। बाकी इस औरत के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। या उस लड़के को भी सोचना चाहिए था जिसने इस औरत के साथ शादी की, फिर इस औरत की बात मानकर इसके शौहर को इस दुनिया से रुखसत किया, शौहर चला गया, ये औरत जेल चली गई, अब जो 5 बच्चे हैं उनका क्या बनेगा? वो कहाँ क्या क्या कहाँ रहेंगे? ना उसका बाप है, ना उसकी अम्मी है, अम्मी जेल में है, बाप को इस दुनिया से इन दोनों ने रुखसत कर दिया गया है। ये हालात हैं यार, ये सब कुछ चल रहा है। मैंने ये वीडियो देखी तो मैंने यही समझा कि आप लोगों तक ये वीडियो ज़रूर जाए ताकि आपको भी पता चले आजकल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हम किस तरफ चले गए हैं, हमारा मुआशरे हमारे में क्या हो रहा है। यार जब मैंने ये स्टोरी देखी, ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, आपको भी पता होना चाहिए ये सब कुछ भी हो सकता क्या है, हो रहा है। तो बाकी वीडियो आपको कैसे लगी आपने अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। क्या इस औरत को रिहा कर दिया जाए, क्या इसके भी 5 बच्चे हैं या नहीं? मिलते हैं।